14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग चाक चौबंद की जा चुकी हैं। एसडीएम अक्षत जैन के अनुसार लगभग 2 से 3 लाख अनुयायी यानी कि भक्तों के आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसके खाने और ठहरने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। मंगलवार से ही अनुयायी जन्मस्थली पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ लगभग 50 बौद्ध भिक्षु यानी कि भंते भी जन्मस्थली पहुंच गए हैं, जिनके रुकने एवं भोजन की व्यवस्था भी समुचित रूप से की गई है। बौद्ध भिक्षुओं को कोई समस्या ना हो इसे लेकर महुआ एसडीएम अक्षत जैन ने इससे चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोरों के खिलाफ 3 अलग-अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, जहां 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के नेतृत्व में लोकायुक्त ने पहली कार्रवाई विनीत त्रिपाठी के खिलाफ की। त्रिपाठी मध्य प्रदेश सड़क निर्माण सहायक ग्रेड 3 संभाग क्रमांक 1 में पदस्थ है। उन्होंने पेट्रोल पंप खोलने की एनओसी देने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जबकि दूसरी कार्रवाई जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी चैतराम कौशल के खिलाफ की गई, जिसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई जनपद पंचायत में पदस्थ रुक्मणी कांत द्रिवेदी के खिलाफ की गई, जिसमें 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ही कार्रवाइयों में लोकायुक्त की 33 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नकली आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी ने नकली आयुष्मान कार्ड बनाकर 4 लोगों को बांट दिए थे। दरअसल इंदौर सीएमएचओ ने राजेंद्र नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके क्षेत्र में रहने वाले विशाल कनुनगो नामक युवक नकली आधार कार्ड बनाकर लोगों को दे रहा है और आरोपी ने अपनी आईडी से 4 लोगों के नकली आयुष्मान कार्ड बनाए। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर विशाल कनुनगो के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी दुकान को सील कर दिया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही आरोपी विशाल फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कल एक सीएमओ साहब की तरफ से, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं, उनकी तरफ से एक जांच प्रतिवेदन आया था, जिसमें 4 आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से बना करके तैयार कर वितरित किए गए थे। उस संबंध में सर ने जांच करके प्रतिवेदन भेजा, जिसमें विशाल नाम के व्यक्ति को आरोपी ठहराया है। उसके द्वारा फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरण किया गया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बीएसएफ अधिकारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के 2 दोस्तों को ही गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपियों ने उधारी के 2,500 रुपए के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपको बता दें, एरोड्रम थाना क्षेत्र के तिरुमला टाउनशिप के पीछे 8 अप्रैल को खाली पड़े मैदान में अजय शर्मा नामक युवक की लाश मिली थी। कॉल डिटेल के आधार पर पता चला कि मृतक ने आखिरी बार सिद्धार्थ और राकेश से बात की थी। दोनों आरोपी फरार थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों को गुजरात गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां से दोनों फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सिद्धार्थ नामक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से पूछताछ के बाद आरोपी राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बताया है कि घटना के दिन दोनों आरोपियों ने अजय को खाली मैदान में बात करने के लिए बुलाया था, जहां आरोपियों ने अपने 2,500 रुपए मांगे, जिस पर उनका आपस में विवाद हुआ। जहां आरोपियों ने पहले अजय का गला दबाया और उसके बाद ईंट से उसका सर कुचलकर हत्या को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा मृतक का गला साफी से उसका दबा करके उसे अचेत कर दिया और बाद में उसको घटना स्थल पर डालकर उसके चेहरे पर ईंट वगैरह से प्रहार किए, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपियों के द्वारा मृतक के गले में पहनी हुई जो चेन थी, सोने की चेन, वह भी अपने पास रख ली गई। आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को ले जा करके तोड़ के फेंक दिया। उक्त चेन भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद कर ली है। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने 30 मार्च को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि सागर के सभी प्राइवेट स्कूल किसी भी पेरेंट्स को किसी एक दुकान से यूनिफॉर्म और पुस्तकें लेने के लिए दबाव नहीं डालेगी और सभी स्कूल प्रशासन अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगभग 5 दुकानों के नाम प्रदर्शित करेंगे, जहां से अभिभावक अपने बच्चों के लिए पुस्तकें और यूनिफॉर्म ले सकेंगे। बावजूद इसके कल स्कूल के द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से दबाव डाला जा रहा है कि वह उनके
द्वारा बताए गए एक ही स्टेशनरी और शॉप से अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स और पुस्तक ले। स्क्रीनशॉट वायरल होने पर जब हमने सागर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जारी आदेश को लेकर जब उल्लंघन करने वाले वात्सल्य स्कूल की प्रिंसिपल अलका श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से ही मना कर दिया, लेकिन गुप्त कैमरे में वह कलेक्टर के आदेशों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो में कैद हो गई। वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर कलेक्टर साहब कहेंगे तो क्या मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सागर में ना जाने ऐसे और कितने स्कूल हैं जो अब तक सागर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन कर चुके हैं। एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर शहर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि डीएवीवी की परीक्षाओं में लगातार नकल के प्रकरण सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राव स्थित लिबरल कॉलेज का है जहां बीकॉम की वार्षिक परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल सामने आई। विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने के बाद अब कॉलेज पर कार्रवाई के साथ ही यूएफएम की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। वहीं नकल को लेकर एनएसयूआई द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय में बीकॉम और एलएलबी की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र राव स्थित लिबरल कॉलेज को भी बनाया था। आशंका है कि सेंटर में सामूहिक नकल करवाई जा रही है। एक शिफ्ट में करीब 250 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पेपर में एक घंटे पहले पर्चा आउट हो जाता है और चिट के माध्यम से नकल भी की जा रही है। नांदरी की शिकायतों के बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से अब तक कोई भी उड़न दस्ता की तैनाती नहीं की गई। डीएवीवी ने मंगलवार को एक जांच कमेटी भी बनाई जो पूरे मसले की जांच कर कॉलेज पर कार्रवाई करेगी। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का कहना है कि निजी कॉलेज पर चल रही परीक्षा की पड़ताल की तो पता चला कि यहां टोल प्लाजा के कर्मचारी, होटल में काम करने वाले कर्मी और गाँव के युवकों को शिक्षक और पर्यवेक्षक बना दिया गया है। वहीं हर दिन पर्चे आउट हो रहे हैं। वहीं एनएसयूआई का भी कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई सख्त कदम अख्तियार नहीं किया जाएगा तब तक एनएसयूआई इसी तरह प्रदर्शन करता रहेगा। एक चीटिंग का मामला रिपोर्ट हुआ है, दो दिन से रिपोर्ट हो रहा है। एक अभी लिबरल कॉलेज का भी आज पता चला है कि वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स हैं वो ऑथोराइज नहीं है, उनको उनसे करवाया जा रहा है इन्विजिलेशन। और एक जगह पेपर लीक आउट होने का बच्चों के मोबाइल में पाया गया है। तो दोनों ही केसेस की हमारे फ्लाइंग स्क्वाड ने रिपोर्ट की थी, तो दोनों ही केसेस की हम लोग पूरी इंक्वायरी करवा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध बहुत ही टफ कार्रवाई की जाएगी, टफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है जब से कुलपति महोदया आई है। विश्वविद्यालय का ढर्रा इस प्रकार से ख़राब कर दिया है कि अब विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर टोल प्लाजा के कर्मी और होटल के कर्मचारी, वेटर लोग परीक्षाएँ ले रहे हैं टीचरों की जगह पे। तो आप खुद सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति आज कॉलेजों की हो गई है। और इन सबको बढ़ावा विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और यहाँ के अधिकारी दे रहे हैं। लगातार हम शिकायतें कर रहे हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। आज फाइनली जब हम शिकायत करने आए हैं तो इन्होंने बोला है कि ये पुलिस में शिकायत करेंगे।